नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कोई भी महिला कैसे प्रेग्नेंट होती है, बच्चे का जन्म किस तरह से होता है। ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजी वे में समझा पाऊं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महिलाओं का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या है। तो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं वजाइना, फिर आता है सर्विक्स, उसके बाद आता है यूट्रस, उसके बाद आती हैं दो फैलोपियन ट्यूब लेफ्ट एंड राइट, और फिर ओवरी आती है लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। तो ये चीजें हैं, ये महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा है। जब भी कोई स्त्री महिला उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं मासिक धर्म या फिर गांव की भाषा में बोल लेते हैं महीना, तो जब भी किसी लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उस टाइम महिलाओं की दो ओवरी में से किसी भी एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है। तो जैसे वो एग रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए जाने की कोशिश करेगा कहां पर, यूट्रस पर। जैसे वो एग रिलीज होता है तो उस स्टेज को बोलते हैं ओवुलेशन। तो ये जो प्रोसेस है ओवुलेशन की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यदि कोई महिला ओवुलेशन के टाइम पे, जब उसका ओवरी एग रिलीज कर रहा है, उस टाइम पर शारीरिक संबंध बनाती है, या तो ओवुलेशन के टाइम पर, या फिर ओवुलेशन से कुछ दिन पहले, या फिर ओवुलेशन के कुछ दिन बाद, उस टाइम पे बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि महिला प्रेग्नेंट हो जाए। क्योंकि इस टाइम पर जो पुरुष का स्पर्म सेल्स होती है, जो कि उसका रिप्रोडक्टिव फ्लूड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीमन, तो वो उस टाइम पे इतना ज्यादा एक्टिवेट होता है कि उस वो एग को फर्टिलाइज कर दे फैलोपियन ट्यूब में ही। तो सबसे बेस्ट टाइम है कि अगर वो ओवुलेशन के टाइम पर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जब ये स्पर्म सेल उस एग से मिलती है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, और इस फर्टिलाइज एग को हम क्या बोलेंगे, अब एम्ब्रियो। तो जैसे ये फर्टिलाइज होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो वो क्या करता है, एग अपना जो आउटर शील्ड है, आउटर कवर है, आउटर शेल है, उसको छोड़ देता है, और उसके एग के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। अब वो ट्रेवल कर रहा है फैलोपियन ट्यूब से सीधे कहां पर, यूट्रस में जाएगा। अब जैसे ही वो एम्ब्रियो यूट्रस में पहुंचता है तो वो क्या करता है, अपना जो आउटर लेयर है ना, जो जोना पेल्यूसिडा है, उसमें होल कर देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जोना हैचिंग। जोना हैचिंग प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसी प्रोसेस के बाद ही हमारा जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की टिश्यू लाइनिंग में अटैच हो पाता है। तो इसका मतलब है कि अब एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट हो चुका है, और इस इम्प्लांटेशन के बाद महिला और एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्शन जुड़ जाता है, जो कि आगे जाकर एक प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है माँ से उस एम्ब्रियो को। अब वही एम्ब्रियो आगे जाके फीटस बनेगा, और फिर आगे जाके वो बच्चा बन जाएगा, और 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी हो जाएगी, आपको दिख जाएगा कि कोई बच्चा पैदा हो गया है। तो ये प्रोसेस थी कि किस तरह से महिलाएं प्रेग्नेंट होती है और कैसे बच्चा पैदा होता है। तो अपने आने वाली दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, वो क्या करें कि जिससे वो प्रेग्नेंट हो सके। तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो उसको लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।